इस अभियान के अंतर्गत एसीपी साहब, शास्त्री नगर एडिशनल डीसीपी साहब और एसएचओ और इनकी टीम ने मिलकर एक बड़ी गैंग को इसमें पकड़ा है, जिनकी निशादेही से 9 मोटरसाइकिलें अब तक बरामद हो चुकी है और पूरे शास्त्री नगर सर्कल में भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर और शास्त्री नगर, इन तीनों थाना क्षेत्र में जो एक लंबे समय से नकबजनियों की वारदात हो रही थी उनका खुलासा हुआ है। कुल 9 वाहन चोरी की वारदात और 8 नकबधनी, लगभग 17 से ज्यादा वारदातों का अभी तक खुलासा इसमें हो चुका है। मुख्यतः इसमें जो वारदात कारित करने वाले हैं ये 3 आरोपी हैं, जिनमें से 2 का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। ये तीनों आरोपी की एक मोडस ऑपरेंडी है, जिसके अंतर्गत ये पावर बाइक्स चुराते हैं, उन पावर बाइक्स को यूज करके ये घटना की रेकी करेंगे और घटना कारित करेंगे। घटना कारित करने के पश्चात ही उस पावर बाइक को छुपा देते थे। तो हर एक वारदात के लिए इन्होंने एक बाइक का यूज किया है और उसके बाद उस बाइक को आगे अपने क्लू छुपाने के लिए ना उसका आगे कहीं बेचान किया है, बस उसको केवल ये कहीं ना कहीं छुपा के रखते थे। वाहन चोरी करते, रेकी करते, उससे वारदात कारित करते, उसके बाद वाहन को छुपा देते, फिर दूसरी वारदात के लिए फिर वापस वो वाहन चोरी करते, वारदात करते और उसको छुपा देते। जो भी सोना चांदी इन्हें मिलता या जवाहरात मिलते उसको अपने नोन के थ्रू, इन जो इस घटना का एक मुख्य आरोपी है, सुजानगढ़ स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान है, जो इस सारे माल को ये जानते हुए कि भाई ये चोरी या नकबजनी का माल है उसे रखता, और यदि कोई भी पुलिस आती कि ये है तो वो उसको तुरंत बैंडेट में लोन दिखा देता है कि भाई ये तो साहब हमने मॉर्गेज रखा हुआ है। और उन्होंने इस आरोपी को भी हमने गिरफ्तार किया है। इनकी एचएस पत्रावलिया खुली गई है, इन पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। नॉर्थ जिले में जो अभियान चल रहा है इसमें अब तक कुल 32 आरोपी संपत्ति संबंधी अपराध में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुल मिला के 35 वाहन बरामद किए गए हैं, 11 मोबाइल बरामद किए गए हैं और जो नशे के विरुद्ध अभियान है उसमें 20 मुकदमे पिछले 7 दिनों में दर्ज किए गए। कुल कार्रवाई 7 दिनों की। कुछ प्रश्न हो?